इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेजाब हमले में 12वीं की छात्रा बुरी तरीके से झुलसी और इसी के साथ छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दिल्ली से यह खबर सामने आई है, द्वारका मोड़ इलाके में दो बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया, जब 12वीं की एक छात्रा थी जो वहां से गुजर रही थी, जिस पर एसिड अटैक किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक 12वीं की छात्रा जो कि रास्ते से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, और इसी दौरान उस पर दो बाइक सवार हैं जिन्होंने एसिड अटैक किया, और इस अटैक में जो छात्रा है वो बुरी तरीके से झुलस गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो द्वारका मोड़ से ये दिल दहलाने वाला सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया है, जहां पर दो बाइक सवारों ने एक 12वीं की छात्रा पर तेजाब से अटैक कर दिया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंका, जिससे वो पूरी तरीके से झुलस गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दक्षिणी दिल्ली से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। केशव, सबसे पहले तो छात्रा की हालत कैसी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो कहा जा रहा है कि वो झुलस गई है, क्या अपडेट है उसकी हेल्थ को लेकर? तो परिजनों ने जानकारी निकल सामने आ रही है कि छात्रा की आंख में और चेहरे पर कहीं एसिड है वो ज्यादा प्रभावशाली रहा है, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं उसको सफदरगंज अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है और प्रशासन भी लगातार पूरे कारण को समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लड़की का अभी पूरे प्रकरण को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी छोटी बहन की तरफ से जरूर दो लड़कों के नाम लिए गए हैं, जिसमें से एक लड़के को प्रशासन ने अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच कार्रवाई पूछताछ जारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद केशव तमाम।